नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर इकाई के साथ साथ महानगर और जिला स्तरीय जो इकाइयां हैं, लगातार कार्यकर्ता नए नए प्रकार की बैठक कर रहे हैं। उस बैठक के क्या मायने हैं, यह साफ दर्शाता है आगामी विधानसभा 2022 की कितनी तैयारियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने इन तमाम प्रकार की बैठकों के विषय में। प्रत्याशी बने हैं गोरखपुर महानगर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार बैठकें चल रही हैं। अलग अलग बैठकें, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर महानगर के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, पार्षदों की बैठक हुई है, आईटी और सोशल मीडिया की बैठक हुई है, सभी प्रकार के अलग अलग लोगों की बैठकें चल रही है। आज उसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा जो गोरखपुर महानगर की इकाई है, वो नगर विधानसभा को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर विशेष तौर पर हम सब बैठ रहे हैं। कैसे हमारे गोरखपुर नगर विधानसभा में प्रत्येक वार्डों में युवाओं की एक फौज निकल करके अधिक से अधिक नौजवानों को जोड़ करके सड़कों पर उतर करके सरकार की उपलब्धियों को ले जाए और योगी आदित्यनाथ जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें, उसकी रणनीति के लिए आज बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव के मद्देनजर। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की जो जिला स्तरीय तथा महानगर इकाइयों के कार्यकर्ता हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। उस बैठक का साफ मायने है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कमल खिलाने हेतु उनकी जोरदार होने वाली तैयारी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरख पीठाधीश्वर, जब उनका नाम आता है सामने, गोरखपुर विधानसभा शहर विधानसभा से उनका प्रत्याशी के नाम पे घोषणा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है एक नए उत्साह में, उसको लेकर तमाम प्रकार की बैठकें हो रही हैं। उन बैठकों के क्या मायने होने वाले और क्या मायने हैं, इस विषय पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तमाम प्रकार की बैठकों को कर रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम पार्षदगणों की बैठक कुछ दिन पूर्व हुई थी। इसके साथ ही महानगर के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी बैठक को किया गया था। आज के दौर में और आज के समय में, वर्तमान समय में, उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है उसकी बैठक ली जा रही है। उस बैठक का साफ मायने है कि जितने हमारे युवा हैं, युवा कार्यकर्ता है, वो तमाम युवाओं को जोड़ने का एक प्रयास करेंगे आगामी विधानसभा 2022 के निमित्त। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। उन्होंने ये साफ सबको आदेशित किया है कि तमाम युवा हर टोली बना के हर बूथ स्तर तक, हर जिला स्तर, हर मंडल में वो जाएंगे और लोगों को अपने बारे में, भारतीय जनता पार्टी की जितनी गतिविधियां हो रही हैं और जो भी योजनाएं, उनसे उनको बताने का कार्य करेंगे। उनका कहना था कि इस तरीके से हम जन जन तक पहुंचने का कार्य करें, जिससे अधिक से अधिक वोटरों को जुटा पाने में हम एक कामयाबी हासिल करेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा इस तरीके से हमारी एक नई रणनीति तैयार होगी, जिससे एक बहुमत की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाने का एक प्रयास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।